हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी का कोर्स वर्क है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले जो क्वेश्चंस हैं कि पीएचडी जो है वो कब से स्टार्ट होगी और जो फीस वगैरह का जो प्रोसीजर है वो आपका कब से स्टार्ट होगा, तो देखिए मैंने वहाँ पर पता किया था, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि आप साइट पे विजिट करते रहिए, सबसे पहले वहाँ पे नोटिस डाला जाएगा। लेकिन अभी तक तो कोई नोटिस नहीं आया है, ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगस्त की एंड तक आपको फ़ीस सबमिट करनी होगी। अभी आने ही वाला है नोटिस, कभी भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम पिछली डेट के अकॉर्डिंग देखें, जब हमारा एग्ज़ाम एक्सटेंड हुआ था तो उस टाइम पे जो उनका डाटा था ये था कि 25 जून को अगर रिजल्ट आया है देन आपकी जो कोर्स वर्क फीस जो सबमिट करनी थी वो 25 जुलाई तक करनी थी, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखिए अगस्त की फर्स्ट में ही अपना रिजल्ट आ गया था, स्टार्टिंग में ही बिल्कुल। तो यानी कि अगस्त की एंड तक हमें फ़ीस सबमिट करनी होगी, बट उसके लिए सबसे पहले हमारे पास नोटिस आएगा कि कहाँ पे हमें फ़ीस सबमिट करनी है, कितनी करनी है। तो अभी तक कोई नोटिस आया नहीं है, जैसे ही कोई नोटिस आएगा हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो उससे पहले ये देख लीजिए कि आपका जो कोर्स वर्क होने वाला है उसमें क्या क्या आपका सिलेबस है और कितने महीने का सिलेबस है आपका। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ड्यूरेशन जो आपकी लिखी हुई है, एक मिनट, बस एक सेकंड रुक जाइए आप। यहाँ पे देखिए जो ड्यूरेशन आपकी है, ड्यूरेशन आपकी है 6 मंथ की, है ना। यानी कि 6 मंथ का आपका ये कोर्स वर्क होने वाला है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या क्या है कोर्स वर्क में, सब्जेक्ट आपका सबसे पहले है रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स, ठीक है। ये देखिए रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स, और जो यहाँ पे कोर्स कोड रहने वाला है वो है RPE, रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स कोर्स वर्क को जो कोड यहाँ पे रहेगा इसका RPE, एंड ये आपका थ्योरिटिकल रहने वाला है, ठीक है। 2 क्रेडिट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे इसके। एंड अगर हम बात करें अब इंटरनल और एक्सटर्नल की, तो यहाँ पे इंटरनल इवेल्युएशन यहाँ पे 25 मार्क्स है एंड एक्सटर्नल इवेल्युएशन यहाँ पे आपके पास है 75, ओके। अब उसके बाद जो सेकंड है आपके पास वो है रिसर्च मेथडोलॉजी, जो हमने यहाँ पे एंट्रेंस के टाइम पे भी किया था, रिसर्च मेथडोलॉजी है ना। तो रिसर्च मेथडोलॉजी है, कोर्स कोड की अगर हम बात करें तो RM कोड है यहाँ पे, ये भी आपका थ्योरेटिकल रहने वाला है एंड 5 क्रेडिट है इस पेपर के लिए। इंटरनल इवेल्युएशन वही 25 एंड एक्सटर्नल इवेल्युएशन क्या है 75, ओके। उसके बाद है कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स कोड की अगर हम बात करें तो CA, एंड ये भी आपका क्या रहने वाला है थ्योरेटिकल है, ओके। और क्रेडिट यहाँ पे 5 है, यानी कि टोटल क्रेडिट की अगर हम बात करें कोर्स वर्क में तो ये आपके हो जाते हैं टोटल क्रेडिट आपके 12, है ना। टोटल क्रेडिट की अगर हम बात करें तो वो आपके हो जाते हैं 12, ठीक है, कंप्लीट कोर्स वर्क के। एंड इंटरनल इवेल्युएशन एंड एक्सटर्नल इवेल्युएशन आपकी ये हो जाती है। अब उसके बाद सिलेबस देख लीजिए, कोर्स टाइटल अगर हम यहाँ पे रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये देखिए 2 क्रेडिट है ना, एंड 30 आवर है। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें दैन 100, और पासिंग मार्क्स आपको कितने लेने हैं यहाँ पे मिनिमम 55 तो आपके होने ही चाहिए, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा बिल्कुल अच्छे से, ओके, स्टार लगा लीजिए, जो आपके मिनिमम मार्क्स हैं पास होने के लिए वो आपके कितने होने चाहिए, 100 में से 55 तो होने ही चाहिए, ओके। अब उसके बाद हम यूनिट वाइज बात कर लेते हैं कि जो आपका रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स है, फर्स्ट यूनिट में आपकी होने वाले हैं यहाँ पे फिलोसफी एंड एथिक्स, एंड सेकेंड पॉइंट इज साइंटिफिक कंडक्ट, ओके। एंड नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्या है, थर्ड यूनिट में है आपके पास पब्लिकेशन एथिक्स, फोर्थ में है ओपन एक्सेस पब्लिकिंग, ओके। ये आप देख लीजिएगा सिलेबस में ये कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। फिफ्थ यूनिट में है आपके पास पब्लिकेशन मिसकंडक्ट, एंड सिक्स्थ में है आपके पास डाटा बेसिस एंड रिसर्च मेट्रिक्स, ओके। तो ये 6 यूनिट आपकी रहने वाली है, ओके। एंड अब नेक्स्ट कौन सा है आपका,
नेक्स्ट आपका पेपर है यहाँ पे रिसर्च मेथडोलॉजी। ओके, अब रिसर्च मेथडोलॉजी में भी क्या है, रिसर्च मेथडोलॉजी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 5 credit है इस पेपर के एंड 75 hours हैं। ये आपका कंपलसरी है, कोर कंपलसरी। मैक्सिमम मार्क्स वही है 100 एंड मिनिमम पासिंग आपको कितने लेने हैं यहाँ पे 55। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में है फाउंडेशन ऑफ एकेडमिक रिसर्च, सेकंड यूनिट है इवेल्युएशन ऑफ रिसर्च, थर्ड यूनिट है लेटेक्स रिसर्च टेक्निक, फोर्थ आपकी है कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर टूल, फिफ्थ आपका है लिटरेचर रिव्यू। ओके, तो ये आपका हो जाता है रिसर्च मेथडोलॉजी, यानी कि 5 unit यहाँ पे आपकी रहने वाली है। अब उसके बाद हम अगर बात करें कंप्यूटर एप्लीकेशन की, कंप्यूटर एप्लीकेशन में देख लीजिए एक बार, कंप्यूटर एप्लीकेशन में वही है क्रेडिट आपके 5 है, 75 hours। ओके, एंड अगर हम बात करें यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स वही है 100, पासिंग आपको 55 लेने हैं यहाँ पे। फर्स्ट यूनिट में आपका क्या है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, सेकंड आपका है वर्ड प्रोसेसिंग, थर्ड आपका है सेपरेट सीट टूल, फोर्थ आपका है प्रेजेंटेशन टूल, फिफ्थ आपका है वेब सर्च एंड सिक्स्थ आपका है डाटा एनालिसिस टूल। ओके, तो ये आपके रहने वाले हैं। देखिए जो कोर्स वर्क है अगर आप इसको अच्छे से करते हैं देन उसका बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है आपके रिसर्च में। ओके, तो जब हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन की कंफर्मेशन कब होती है आपकी, अगर आप कोर्स वर्क में पास हो जाते हैं। अगर आप कोर्स वर्क में फेल हो जाते हैं तो आपको एक और चांस दिया जाता है एग्जाम के लिए। अगर आप फिर से फेल हो जाते हैं देन आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे नहीं होता, एडमिशन आपका कैंसिल हो जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कोर्स वर्क को ही अच्छे से करना है। और आई थिंक जो आपका कोर्स वर्क की जो क्लासेज है वो तो सभी की एक जगह पे ही लगने वाली है, क्योंकि कोर्स वर्क सबका कॉमन होता है 6 month का, है ना। तो एक बार आपका जो फीस स्ट्रक्चर है, यानी कि जो फीस शेड्यूल आपका जो है कि कब कहाँ पे भरनी है, एक बार वो आ जाए, उसके बाद ही आपका कोर्स वर्क का नोटिस आएगा कि इस दिन से आपका कोर्स वर्क स्टार्ट होने वाला है। तो अभी आप टेंशन फ्री रहिए, जिसका भी एडमिशन हो गया है आपका नोटिस निकल जाएगा, हम वीडियो ज़रूर बना देंगे। टाइम आपको दिया जाएगा, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही दिन आपकी सबमिट होगी, टाइम दिया जाएगा फीस के लिए। ओके, बट कोर्स वर्क को आप हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे से करना है क्योंकि इसका यूज़ होने वाला है काफ़ी। क्योंकि जब भी हम रिसर्च पेपर या फिर आर्टिकल या फिर बुक वगैरह थीसिस जब भी हम राइट करते हैं तो वहाँ पे लेटेक्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। टेबल वगैरह अगर हमें बनानी होती है तो हर चीज़ कंप्यूटर एप्लीकेशन हुई, रिसर्च मेथडोलॉजी, वो सब वहाँ पर यूज हो जाता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से एक एक टॉपिक यहाँ पे करना है, क्योंकि एक एक टॉपिक का यूज़ वहाँ पे होने वाला है। और जब भी आपकी प्रेजेंटेशन होगी, कोर्स वर्क प्रेजेंटेशन होगी, तो तब भी आपको वहाँ पे प्रेजेंटेशन बनानी तो पड़ेगी, है ना। तो प्रेजेंटेशन जब आप बनाओगे तो उसमें भी आपको वर्ड की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, लेटेक्स की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। आपको टाइपिंग आनी चाहिए, और अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो आपको कोडिंग अच्छे से आनी चाहिए, है ना। तो बिल्कुल अच्छे से आपको ये करना है, और हम टाइम पे हर टाइम पे हर चीज़ों को हम यहाँ पे आपको बताते रहेंगे। आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।